हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटियस रेशमी और मैं हूँ रेशमी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माइग्लैम पोज HD ब्लश डुओ का रिव्यू एंड डेमो। माइग्लैम ने रिसेंटली पोज कलेक्शन लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में आपको लिपस्टिक, ब्लशर, हाइलाइटर, ब्रॉन्जर, बनाना पाउडर, सेटिंग पाउडर का लॉन्च हुआ है। मैं इस कलेक्शन से 3 प्रोडक्ट्स लिया है, सबका रिव्यू 1 by 1 अपलोड करूंगी। एंड दोस्तों, मेरी चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स का गिव अवे चल रहा है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। इस तरह के पिंक एंड पर्पल कलर कॉम्बिनेशन की ब्यूटीफुल कार्डबोर्ड बॉक्स में ये ब्लशर आते हैं। एक्चुअली एक किट में आपको 2 ब्लशर मिलेगा। एंड इसका बैक साइड में इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, अ सेटिन फिनिश हाई डेफिनेशन ब्लश डुओ दैट डिलीवर्स मोर देन अ हेल्दी फ्लश ऑफ कलर। इट फ्लर्ट्स विद द लाइट टू क्रिएट अ सॉफ्ट फोकस इफेक्ट एंड एड्स डेप्थ एंड डायमेंशन टू योर फेस। एंड यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है। बाय द वे, इस ब्लश डुओ का प्राइस है 699 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम परचेसिंग पे 150 रुपीज का ऑफ मिलेगा। इसका शेल्फ लाइफ है 2 इयर्स, नेट वेट है 9 ग्राम। दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड इन इटली एंड इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है। एंड माइग्लैम एक क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है एंड इसके अंदर का पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है। अंदर फोम शीट लगा हुआ है ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ये है ब्लश का पैकेजिंग, पेपर से बना हुआ है, तो ये कितना ड्यूरेबल है उसका अंदाजा तो आप लगा सकते हो। अब इसका हैंड स्वॉच देख लेते हैं। पैलेट में 2 शेड है, एक है सॉफ्ट कोरल एंड दूसरा है पिंक मॉव। ये ऑल इंडियन स्किन टोन पे सूट करेगा। इस ब्लशर का मेन काम है आपके चीक्स को नाइस फ्लश लुक देने के साथ साथ एक सैटिन ल्यूमिनस फिनिश देना। मुझे इसको यूज करना पसंद है, ये मेरे फेस पे एक सॉफ्ट ग्लो छोड़ता है, पिक्स में बहुत ही हेल्दी फ्रेश लुक देता है। थोड़ा सा प्रोडक्ट ब्लश ब्रश में लेके स्माइलिंग फेस बना लीजिए एंड एपल्स ऑफ योर चीक्स में अप्लाई कर लीजिए। ये ना इजीली ब्लेंड हो जाता है। पिगमेंटेशन वाइज ये ओके है, आप इसका 2 लेयर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसको आप एज एन आई शेडो भी यूज कर सकते हो। मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, आप चाहो तो इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। अब इसको फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। स्टेइंग पावर है वो है 5 to 6 आवर्स।
उसके बाद ये फेड होने लगता है, बट ये फेस को बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। बहुत ही लाइट सॉफ्ट सैपल इसका शेड है। पार्टी वेयर, समर, मॉनसून, फेस्टिव सीजन के लिए ये परफेक्ट है। दिस इज अमेजिंग ब्लश ड्यू, बहुत ब्यूटीफुल पीची कोरली मॉव शेड है। ये बहुत ही अच्छे लुक देता है। बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा शिमरी ग्लिटरी ब्लशर पसंद नहीं है एंड ये मैट सैटिन लुक देता है, आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर मेरी ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स जरूर कीजिए एंड मेरी चैनल ब्यूटी और रेशमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।